हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे ह्यूमरस बोन के बारे में। तो देखिए, दिस इज ह्यूमरस बोन। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे। तो देखिए, बेसिकली आप सबको पता होगा कि लॉन्ग बोन के तीन पार्ट होते हैं। दिस इज अपर एंड, दिस इज ये पूरा का पूरा शाफ्ट एंड दिस इज लोअर एंड। ओके, तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे कि इसमें हमको थ्योरेटिकल क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, शाफ्ट को ह्यूमरस को हमने डिवाइड किया तीन पार्ट में। तीन पार्ट कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अपर एंड के बारे में। तो देखिए, अपर एंड में टोटल सिक्स चीजें हैं, छह चीजें हैं जो हमें समझनी है। छह चीजें कौन कौन सी? एक होगी इसकी एनाटॉमिकल नेक, एक होगी इसकी एनाटॉमिकल नेक। ओके, फर्स्ट वन इज, सेकंड होगी इसकी लेसर ट्यूबरकल, ओके, नंबर थर्ड पे होगा इसका ग्रेटर ट्यूबरकल, नंबर फोर्थ होगा इसका इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ट्यूबरक्यूलर सल्कस। ओके, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस हो गया। हमारे का फिफ्थ पॉइंट होगा इसका सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक। और हमारा इसका सिक्स पॉइंट होगा, वो होगा हमारा मॉर्फोलॉजिकल नेक। ओके, मॉर्फोलॉजिकल नेक। ओके, तो देखिए इन छह पॉइंट को पढ़ना है। मॉर्फोलॉजिकल नेक कह दीजिए, या फिर इसे हम बोलते हैं एपिफाइशियल लाइन। ओके, तो दिस इज एपिफाइशियल लाइन हो गई। तो देखिए, हमें बेसिकली अपर एंड में ये छह चीजें पढ़नी है। अब देखिए, इनको हम अप्लाई करते हैं इधर कि ये छह चीजें कहाँ पे हैं। तो देखिए, आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा छोटा छोटा, ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है। ओके, देखिए लोअर एंड में मेल्युलस होता है ना, मीडियल मेल्युलस एंड दिस इज लेटरल मेल्युलस। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अभी अपर एंड की। छह चीजें देखनी है, छह चीजें कौन सी? तो देखिए, आपको ये तो छोटा दिख रहा होगा और ये बड़ा दिख रहा होगा। तो देखिए, छोटा वाला क्या है? दिस इज लेसर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल हो गया। और ये बड़ा वाला क्या है? दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल। ओके ओके, इसके बाद देखिए एनाटॉमिकल नेक कुछ नहीं है, जो ये वाली है ना, जो ये एकदम सिल्की है, इसके चारों तरफ एक राउंड राउंड है, तो इसे बोलते हैं हम एनाटॉमिकल नेक। ओके, देखिए मेरी पूरी उंगलियां है, दिस इज एनाटॉमिकल नेक। देखिए, नाम से पता लग रहा है ए मतलब ए, एनाटॉमिकल नेक ऊपर होगी जबकि जो सर्जिकल नेक होगी वो नीचे होगी। ए मतलब ऊपर और एस मतलब नीचे, एपोर एप्पल ऊपर ही आता है ना। सर्जिकल नेक कहाँ होगी? सर्जिकल नेक देखिए, सर्जिकल नेक बेसिकली होती है यहाँ पे, ये होगी हमारी सर्जिकल नेक की पोजीशन। तो ये होती है, दिस इज सर्जिकल नेक, ये होगी पूरी की पूरी सर्जिकल नेक, मतलब सर्जिकल नेक होती है यहाँ पे, ये पूरी सर्जिकल नेक है, ये पूरी एनाटॉमिकल नेक है। और सर्जिकल नेक के जस्ट 5 सेंटीमीटर नीचे, क्या? सर्जिकल नेक के जस्ट 5 सेंटीमीटर नीचे होती है हमारी मॉर्फोलॉजिकल नेक। ओके, मॉर्फोलॉजिकल नेक ये कहाँ होती है? 5 सेंटीमीटर बिलो। किसके बिलो 5 सेंटीमीटर? एनाटॉमिकल सर्जिकल नेक के जस्ट 5 सेंटीमीटर नीचे होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो देखिए, ये हो गई हमारी सर्जिकल नेक, इसके जस्ट 5 सेंटीमीटर नीचे क्या होगी? यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकल नेक, पूरे राउंड राउंड होती है, दिस इज मॉर्फोलॉजिकल नेक। ओके, उसके बाद देखिए इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, तो देखिए कुछ नहीं है, दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज लेसर ट्यूबरकल, और इन दोनों के बीच में एक सल्कस है, ये क्या है? दिस इज इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो देखिए, ये क्या होगी? ये होगी हमारी इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, तो ग्रेटर एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक हो गई, ग्रेटर ट्यूबरकल, ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं इनकी पोजीशन, तो कुछ नहीं है, आपको पता होगा कि दिस इज ये क्या है? हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ये किसके लिए है? दिस इज फॉर ग्लूनोइड कैविटी, तो ग्लूनोइड कैविटी के लिए होगा। तो ये कहाँ होगा? ये मीडियली होगा, तो ये मीडियली होगा। उसके बाद देखिए, जो लेसर ट्यूबरकल है, ये कहाँ आया? लेसर ट्यूबरकल आपके आया एंटीरियर एस्पेक्ट पे। अगर ये मीडियल होगा तो ये एंटीरियर होगा ना, तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे आया। उसके बाद जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये मोटा मोटा ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये कहाँ पे आएगा? तो ऑब्वियसली है, तो देखिए क्या है, ये तो है लेटरल, लेटरल, और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? लेटरल का अपोजिट क्या होता है? मीडियल, सॉरी दिस इज मीडियल, ये ग्लेनोइड कैविटी में अटैच होता है, तो दिस इज मीडियल। अगर ये मीडियल है तो मीडियल का अपोजिट क्या होता है? लेटरल। तो देखिए, ये है लेटरल, मतलब क्या कि जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो कहाँ होता है? लेटरल एस्पेक्ट पे, और जो कि लेसर ट्यूबरकल होता है वो कहाँ होगा? एंटीरियर एस्पेक्ट पे। तो देखिए, ये तो हो गई इनकी पोजिशन।
तो हमने पढ़ लिया अपर एंड के बारे में, उसके बाद आते हैं हम इसकी शाफ्ट के बारे में। तो शाफ्ट, शाफ्ट में कुछ नहीं है, शाफ्ट में, शाफ्ट को डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट में। दो पार्ट कौन से, इसका होगा, एक होगा अपर हाफ और एक होगा इसका लोअर हाफ। ओके, ये होगा इसका लोअर हाफ। ओके, और देखिए जो इसका अपर हाफ होता है वो होता है राउंड, दिस इज राउंडेड। ओके, और जो लोअर हाफ होगा ये होगा, दिस इज ट्राइंगुलर। ओके, ये क्या होगा, ट्राइंगुलर होगा। ट्राइंगुलर होगा तो क्या होगी, सरफेस पर बॉर्डर। अब देखते हैं तो इसकी सरफेस बॉर्डर की बात करते हैं तो कुछ नहीं है, ये हो गया ट्राइंगुलर, हमने इसको ट्राइंगुलर कर दिया। अब देखते हैं कुछ नहीं है, देखिए ये है शाफ्ट, सॉरी ये है अपर एंड, उसके बाद ये पूरी की पूरी क्या है, शाफ्ट है। तो देखिए इसका आपको ये वाला अपर हाफ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज अपर हाफ, ये होता है राउंडेड और ये होता है ट्राइंगुलर। तो देखिए आपको बेसिकली ट्राइंगुलर दिख भी रहा होगा, देखिए इसका एक बॉर्डर ये दिख रहा है आपको, एक बॉर्डर ये दिख रहा है आपको और एक बॉर्डर आगे की साइड दिख रहा है। ओके, देखिए एक बॉर्डर तो होगा ये वाला जो कि लेटरल मैलेलस के जस्ट ऊपर जा रहा है, तो एक बॉर्डर होगा ये वाला, एक ये होगा और एक ये होगा। देखते हैं, तो देखिए मैंने इसको ऐसे काटा और यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा हूँ। अब देखते हैं इनके बॉर्डर्स कौन कौन से होंगे, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये होगा इसका एंटीरियर बॉर्डर। ओके, उसके बाद ये होगा इसका, दिस इज मीडियल बॉर्डर। ओके, और ये होगा इसका लेटरल बॉर्डर, दिस इज लेटरल बॉर्डर। ओके, अब देखते हैं, बहुत सिंपल है, एंटीरियर और लेटरल के बीच में कौन सी सरफेस होगी, इन दोनों के बीच होगी हमारी एंटीरियर लेटरल सरफेस। तो देखिए ये सरफेस कौन सी हुई, दिस इज एंटीरियर लेटरल सरफेस, एस यू आर मतलब एंटीरियर लेटरल सरफेस। ये कौन सी सरफेस होगी, देखिए ये मैंने बोला दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, देखिए अगर मैं कोई ट्राइंगल बना रहा हूँ ऐसे, दिस इज ट्राइंगल, अगर ये सॉरी यहाँ भी देख लेते हैं, अगर ये एंटीरियर है तो एंटीरियर के जस्ट पीछे क्या होगा, एंटीरियर बॉर्डर के जस्ट अपोजिट क्या होगा, पोस्टीरियर। तो ये क्या है, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। और देखिए हमने इसको बोला एंटीरियर और लेटरल के बीच कौन सी है, एंटीरियर लेटरल, और एंटीरियर एंड मीडियल के बीच कौन सी होगी, दिस इज एंटीरियर मीडियल। दिस इज एंटीरियर मीडियल सरफेस। ओके, तो ये हो गई हमारी एंटीरियर मीडियल सरफेस। ओके, तो देखिए हमने इसको इसके अपर वन थर्ड और लोअर वन थर्ड को भी समझ लिया है। उसके बाद आते हैं हम हमारे शाफ्ट पे, तो देखिए शाफ्ट, सॉरी थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं, पहले हम इसके बॉर्डर्स की और इसके सरफेस की बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसके तीन बॉर्डर थे। ओके, इसके तीन बॉर्डर है, तीन बॉर्डर कौन कौन से हैं, तो अब मैं देखिए ओनली ए लिख रहा हूँ, ए मतलब एंटीरियर। ओके, इसके बाद एल मतलब लेटरल और एम मतलब मीडियल। ओके, तो तीन बॉर्डर कौन से होंगे, ए मतलब एंटीरियर, एल मतलब लेटरल और एम मतलब मीडियल। अब देखते हैं एंटीरियर बॉर्डर की क्या खास बात है, तो देखिए एंटीरियर बॉर्डर होता है ये, इसमें क्या होता है, इसमें होती है, ये बनाता है लेटरल लिप ऑफ, सॉरी इसको यह समझते हैं, देखिए ये क्या है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, दिस इज इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। अब देखते हैं मैं बोल रहा हूँ दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, तो देखिए इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस की जो एंटीरियर बॉर्डर है, जो ये वाला एंटीरियर बॉर्डर होगा ना, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल से जस्ट नीचे जा रहा है, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। और ये क्या बना रहा है, देखिए इसके जस्ट आगे क्या है, दिस इज इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, ये क्या है, दिस इज इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और ये है एंटीरियर बॉर्डर, तो एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है, हमने बोला था कि ये ग्रेटर ट्यूबरकल कहाँ होता है, ये लेटरली होता है, तो ये बना रहा है इसका लेटरल लिप। मतलब क्या कि देखिए मैं ये डायग्रामेटिक दिखा देता हूँ आपको, देखिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, जो ये ट्राइंगल दिखाया है, दिस इज इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, और इसमें क्या होता है, जो ये तो है लेटरल साइड और ये है मीडियल साइड। ओके, तो देखिए जो इसका ये लिप है ना, दिस इज इसका लेटरल लिप होगा और ये इसका मीडियल लिप होगा। ओके, ये पूरा डायग्राम किसका है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का, ये इसका है लेटरल लिप, और लेटरल लिप क्या बना रहा है, एंटीरियर बॉर्डर। ओके,
एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है कौन, लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, और जो कि है इसका कौन सा बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। और देखिए जो मीडियल बॉर्डर है वह क्या बना रहा है, दिस इज द मीडियल लिप ऑफ, ओके मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो देखिए मैं लिख भी देता हूं, दिस इज लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबर क्यूलर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, और ये क्या होगा, ये होगा इसका मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ओके तो देखिए लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस कौन बना रहा है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, ओके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, ओके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस बना रहा है। और मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस ये क्या बना रहा है, इसको कौन बना रहा है, मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस को इसको बना रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, ओके MERUS, ओके इसके बाद देखिए, अब देखिए जो मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर, तो देखिए यहां आते हैं, तो दिस इज मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच कौन सी सरफेस है, इन दोनों के बीच है हमारी एंटीरोमीडियल सरफेस, ओके एंटीरोमीडियल सरफेस है। तो ये क्या बनाएगी, तो देखिए दिस इज फ्लोर हुआ ना, ये पूरा फ्लोर हुआ, और फ्लोर में कौन सी होगी, एंटीरोमीडियल सरफेस। तो देखिए दिस इज फ्लोर, किसका फ्लोर है, ये फ्लोर है हमारा इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का ये फ्लोर है। इस फ्लोर को कौन बना रहा है, इसको बना रहा है हमारे यहाँ पे, इसको बना रहा है एंटीरियर मीडियल सरफेस, ओके देखिए ना मीडियल और एंटीरियर, तो इसे बना रहा है एंटीरियर मीडियल सरफेस, ओके तो ये हो गया एंटीरोमीडियल सरफेस के बारे में। उसके बाद ये तो हो गया पूरा का पूरा तीनों के तीनों बॉर्डर के बारे में, देखिए हमने तीनों बॉर्डर कवर कर लिए। उसके बाद आते हैं हम इसके सरफेसेस के बारे में, तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे सरफेस की, सरफेस ओके सरफेस की बात करते हैं, तो सरफेस में कुछ नहीं है, इसके तीन सरफेस है, कौन कौन सी, एंटीरोलेटरल एल मतलब एंटीरोलेटरल, एक होगी इसकी एंटीरोमीडियल, एक होगी पोस्टीरियर, ओके एल मतलब एंटीरोलेटरल, एएम मतलब एंटीरोमीडियल, पी मतलब पोस्टीरियर, ओके तो देखिए कुछ नहीं है, एंटीरोलेटरल पे क्या होगी, डेल्टोइड ट्यूबोसिटी, ओके तो देखिए ना बेसिकली ये जो चिकना चिकना है ये कहाँ होगा, मीडियल होगा, और जो कि हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है ये कहाँ होगा, लेटरली होगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगी, देखिए दिस इज डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, आपको ये खुरदरा खुरदरा रफ इंप्रेशन दिख रहा होगा, दिस इज डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। उसके बाद एंटीरोमीडियल पे क्या होगा, तो देखिए हमने बोला था एंटीरोमीडियल सर्फेस क्या बनाती है, ये बनाती है फ्लोर ऑफ इंटर ट्यूबर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ओके मतलब इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का फ्लोर कौन बनाती है, एंटीरोमीडियल, जो कि हमने आपको अभी यहां पे बोला ना, देखिए यहां बोला था ना आपको अभी, फ्लोर कौन बनाती है, एंटीरोमीडियल सल्फेस, किसका फ्लोर, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का। तो देखिए हमने फ्लोर की बात कर ली, और उसके बाद पोस्टीरियर सर्फेस पे आते हैं, तो देखिए पोस्टीरियर सर्फेस के लिए क्या खास बात है, तो देखिए पोस्टीरियर सर्फेस पे आपको पता होगा इसमें होती है रेडियल ग्रूव, ओके रेडियल ग्रूव, और जो रेडियल ग्रूव में होती है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियल ग्रूव में होती है हमारी रेडियल आर्टरी, कौन कौन सी रेडियल आर्टरी होगी, और एक होगी हमारी सॉरी रेडियल आर्टरी नहीं होगी सॉरी रेडियल नर्व होगी, गलती हो गई, रेडियल नर्व होगी, और होगी यहाँ पे प्रोफंडा फंडा ब्रेकाई आर्टरी, ब्रेकाई आर्टरी। देखिए प्रोफंडा क्यों, प्रोफंडा का मीनिंग हम समझते हैं डीपली, जो स्ट्रक्चर सबसे डीप होगी उसके लिए टर्म यूज करते हैं प्रोफंडा, तो दिस इज प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, और रेडियल नर्व ये किस कहाँ होती है, ये होती है रेडियल ग्रूव में। तो देखिए
इसके जस्ट पीछे होगी यहाँ पे रेडियल ग्रू, तो देखिए रेडियल ग्रू इज स्पाइरल ग्रू, तो देखिए आपको ये यहाँ पे ग्रू दिख रही है, दिस इज रेडियल ग्रू। ओके, और रेडियल ग्रू में होती है दो स्ट्रक्चर्स, रेडियल नर्व और प्रोपोंडाइल ब्रेकाई आर्टरी। अब इसका मीनिंग क्या है, कुछ नहीं है। अगर ह्यूमरस को यहाँ से तोड़ दे, मैंने यहाँ से ह्यूमरस को तोड़ दिया, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर रप्चर होगी, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी, रेडियल नर्व में और प्रोपोंडाइल ब्रेकाई आर्टरी, मतलब शाफ्ट का फ्रैक्चर हो गया, कहाँ से, रेडियल ग्रू में। तो हमने इसके शाफ्ट की पूरी बात कर ली। उसके बाद आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट कौन सा होगा हमारा, लोअर एंड। ओके, तो देखिए फेस फेस पे आते हैं, तो हमारा इसका थर्ड पॉइंट आ गया लोअर एंड। ओके, तो देखिए लोअर एंड में कुछ नहीं है, लोअर एंड को हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, दो पार्ट कौन से, इसके आर्टिकुलर पार्ट, और एक होगा इसका नॉन आर्टिकुलर पार्ट। ओके, आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट, अब देखते कैसे याद किया जाए, तो कुछ नहीं है, आर्टिकुलर पार्ट बेसिकली होते हैं दो, दो कौन से, एक होगा इसका कैपिटुलम, ओके, एक होगा इसका ट्रोक्लिया, एक होगा कैपिटुलम, एक होगा ट्रोक्लिया। और याद करने की ट्रिक क्या है, तो सी आर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव सी आर होता है ना, तो सी मतलब सी से तो कैपिटुलम हो गया, आर से मतलब ये किससे अटैच होगा, ये अटैच होगा हमारी रेडियस से। ओके, और बची कौन, अल्ना, तो अल्ना से कौन अटैच होगा, अल्ना से अटैच होगा हमारा ट्रोक्लियर। ओके, मतलब सी से कैपिटुलम किससे अटैच होगा, रेडियस से। तो देखिए बहुत सिंपल है, आज हम लोअर एंड पे आ गए हैं, तो दिस इज लोअर एंड, कैपिटुलम दिस इज, आपको पता होगा रेडियस का अपर एंड क्या होता है, राउंड होता है ना, राउंड। ओके, दिस इज राउंड, तो देखिए ये कैपिटुलम है और कैपिटुलम राउंड है, तो इससे कौन अटैच होगी, रेडियस, और ट्रोक्लिया दिस इज पुली शेप, देखिए ना पुली शेप है ऐसे, दिस इज पुली शेप। ओके, पुली शेप है, तो ट्रोक्लिया से कौन अटैच होगा, इससे अल्ना अटैच होगी, तो दिस इज आर्टिकुलर। आर्टिकुलर मतलब देखिए इससे तो रेडियस अटैच है, इससे अल्ना अटैच है, मतलब आर्टिकुलेट हो गए ना, और होते हैं नॉन आर्टिकुलेट, मतलब जो कि दूसरे से आर्टिकुलेट नहीं होते हैं, और ये है टोटल हमारे पास सात स्ट्रक्चर्स। ओके, सात स्ट्रक्चर्स कौन से, सेवन स्ट्रक्चर्स है, ये कौन से है, एक है हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल, ओके, मीडियल एपिकोंडाइल फर्स्ट है, सेकंड होगा हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल, समझ आइए मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, नंबर थर्ड होगा हमारे पास लेटरल सुप्रा कोंडाइलर रिज। ओके, क्या होगी, लेटरल सुप्रा कोंडाइलर रिज, नंबर फोर्थ नंबर पे होगी, लेटरल है तो मीडियल भी होगी ना, तो ये होगी हमारे पास मीडियल सुप्रा कोंडाइलर रिज। ओके, ये होगी मीडियल सुप्रा कोंडाइलर रिज। उसके बाद देखिए चार तो हो गए हमें, तीन और पढ़ने हैं, तीन कौन कौन से हैं, तो तीन थोड़े काम के हैं, तो इनको मैं रेड से लिख रहा हूं। एक होगा हमारे पास कोरोनोइड फोसा। ओके, नंबर सिक्स स्ट्रक्चर होगी, छठी स्ट्रक्चर होगी हमारे पास रेडियल फोसा, नंबर सेवन स्ट्रक्चर होगी हमारे पास ओलेक्रेनोन फोसा। अब देखते हैं सात स्ट्रक्चर्स के नाम लिख दिए, इनको देखते हैं हम इन बोन में, तो कुछ नहीं है, देखिए हमने बोला था ये चिकना चिकना कहाँ रहेगा, ये रहेगा मीडियल, और ग्रेटर ट्यूबरकल कहाँ रहेगा, लेटरली। देखिए तो ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरली होगा, तो मैं ऐसे नीचे लाइन कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, तो मैं ऐसे आ गया, तो देखिए ये मीडियल है, ये लेटरल है, ये मीडियल है और ये लेटरल है। अब ऐसे कैसे मैं नीचे आया, तो दिस इज मीडियल एंड दिस इज लेटरल, तो आपको समझ में आ गया होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ओके, तो ये तो होगा हमारा मीडियल और ये होगा लेटरल। अब आते हैं नीचे के पॉइंट्स पे, तो देखिए मीडियल एपिकोंडाइल, तो ये मीडियल है, तो दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल, कुछ नहीं है, उभार सा होगा। मीडियल एपिकोंडाइल आपको बड़ा दिख रहा है, देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, जबकि लेटरल आपको बहुत छोटा दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है। और मीडियल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर होगी मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, तो दिस इज मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। ओके, ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, और इसके जस्ट ऊपर होगी लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। ओके, और ये हो गई। उसके बाद देखिए आते हैं, ये चारों चीजें हो गई हमारी, चारों चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं हम कोरोनोइड फोसा पे, रेडियल फोसा पे और ओलेक्रेनियन फोसा पे, तो कुछ नहीं है,
देखिए एक ट्रोकलिया है ओके, तो देखिए ट्रोकलिया के जस्ट ऊपर एक फोसा होता है, तो देखिए आपको गड्ढा दिख रहा होगा, ये ट्रोकलिया है, इसके जस्ट ऊपर एक गड्ढा है, ये गड्ढा क्या है, दिस इज ट्रोकलियर फोसा, और कैपिटुलम के जस्ट ऊपर एक गड्ढा है, ये क्या है, ये है हमारा रेडियल फोसा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था सी आर, कैपिटुलम किससे अटैच है, रेडियस से, और कैपिटुलम के जस्ट ऊपर क्या है, कैपिटुलम के जस्ट ऊपर है हमारे पास रेडियल फोसा। उसी तरह से देखिए जो ट्रोकलिया है, ये तो एंटीरियर एस्पेक्ट हुआ ना, पूरा एंटीरियर देख रहे हैं, अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो देखिए ट्रोकलिया है, ट्रोकलिया के पीछे की साइड होता है ओलेक्रेनियन फोसा, मतलब क्या कि मतलब ये कि जो ये दोनों होते हैं ये तो होते हैं एंटीरियर साइड और ये होता है पोस्टीरियर साइड, ओके, मतलब इसे हम इन दोनों को हम देखेंगे एंटीरियर व्यू में, इन दोनों को देखेंगे हम पोस्टीरियर व्यू में। तो देखिए इनका हम एक बेसिकली डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको इन्हें समझने में आसानी हो। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रोकलिया, यहाँ लिख रहा हूँ ट्रोकलिया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कैपिटुलम, ओके कैपिटुलम हो गया। अब देखिए मैंने बोला कि ट्रोकलिया के जस्ट ऊपर क्या होगा, ट्रोकलिया के ऊपर होगा कोरो कोरोनोइड फोसा, तो ट्रोकलिया के जस्ट ऊपर क्या है, कोरोनोइड फोसा है, कैपिटुलम के जस्ट ऊपर क्या है, रेडियल फोसा है, यहाँ पे होगा हमारे पास रेडियल फोसा, ओके। और देखिए इसके जस्ट पीछे ट्रोकलिया के जस्ट पीछे की साइड क्या है, ओलेक्रेनियन फोसा, ओली क्रे नोन ओलेक्रेनियन फोसा, ओके, तो इसके जस्ट पीछे क्या है, ओलेक्रेनियन फोसा है, मतलब क्या कि ये तो है ट्रोकलिया, ये है कैपिटुलम, ओके। तो देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर है ना, कौन कौन सी, जो ये वाली है, ये वाली स्ट्रक्चर्स और ये वाली स्ट्रक्चर्स, ये कहाँ पे हैं, ये है इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में, मतलब देखिए ये एंटीरियर व्यू तो होगा ना, तो दिस इज कोरोनोइड फोसा, ट्रोकलिया के जस्ट ऊपर है, तो ट्रोकलिया के जस्ट ऊपर कोरोनोइड फोसा है, कैपिटुलम के जस्ट ऊपर क्या है, रेडियल फोसा, तो दिस इज कैपिटुलम, इसके ऊपर रेडियल फोसा, और ट्रोकलिया के जस्ट पीछे की साइड क्या है, ट्रोकलिया के जस्ट पीछे की साइड है ओलेक्रेनियन फोसा, तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा इसके पोस्टीरियर साइड में। तो हमारे पास इसका भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, तो देखिए इसका आप अलग से लिख लीजिए, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात एक और है कि ये हो गया यहाँ पे फोसा बात, देखिए यहाँ फोसा है, यहाँ पे फोसा है, नोट प्रोसेस, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है। तो देखिए अब हम प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं, चलते चलते इतने आए गए हैं, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चार चीजें और लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं हम कोरोनोइड प्रोसेस, एक लिख रहे हैं हम कोरोनोइड फोसा, एक लिख रहे हैं हम को रे कोइड प्रोसेस, ओके, और एक लिख रहे हैं हम कोंडाइलर कोंडाइलर प्रोसेस। देखिए ये चार चीजें हैं, इनका नाम बहुत ही सिमिलर है, देखिए इन यहाँ पे है प्रोसेस, यहाँ पे है फोसा, यहाँ पे कोरोनोइड है, जबकि यहाँ पे क्या है कोरेकोइड है, यहाँ पे आर ए है, जबकि यहाँ पे आर ओ है, ओके। तो देखिए यहाँ पे है कोरोनोइड फोसा, सॉरी कोरोनोइड प्रोसेस, यहाँ पे है कोरोनोइड फोसा, यहाँ पे है कोरेकोइड प्रोसेस, और यहाँ पे है कोंडाइलर, यहाँ पे है कोंडाइलर प्रोसेस। देखिए चारों नाम अलग अलग है, और ये चारों के चारों नाम अलग अलग बोन पे पाए जाते हैं, चारों स्ट्रक्चर्स अलग अलग बोन पे पाई जाती है। तो सबसे पहले है कोरोनोइड प्रोसेस, ये कहाँ होगा, ये होगा हमारी अल्ना में, कोरोनोइड फोसा ये कहाँ होगा, ये होगा हमारी ह्यूमरस में, ओके। उसके बाद कोरेकोइड प्रोसेस ये कहाँ होता है, ये होता है इसके पुला में, इसके पुला में होगा, और ये कहाँ होगा, ये होगा हमारी मैंडिबल में, ओके, ये होगा हमारी मैंडिबल में। तो देखिए इन चारों को भी आप अगर एक साथ याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद आते हैं एक और चीज पे, तो देखिए ये तो हो गई, अब आते हैं थोड़ी नोट्स और ट्यूबोसिटी के बारे में, तो देखिए सॉरी ये हो गया, तो देखिए हमने अब तक सारा पढ़ा है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ह्यूमरस के बारे में, ओके, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसके अटैचमेंट्स के बारे में, तो देखिए अटैचमेंट्स को भी हम एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे। टोटल 17 मसल्स अटैच होती है ह्यूमरस से, उनको एकदम एकदम एक्यूरेट मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसको क्लियर करेंगे, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमरस, नेक्स्ट वीडियो होगा ह्यूमरस के अटैचमेंट्स पे।